हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेल, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पहला शिफ्ट ओवर हो गया है और मैं क्विकली आपको एक एनालिसिस देता हूं कि किस तरीके से पेपर आए, क्वेश्चन किस तरीके से आए। तो जो आज जो बच्चे जा रहे दोपहर के शिफ्ट में, वो खासा ध्यान दें कि पेपर किस तरीके से सेट किया गया है। जो 29 या 1 मार्च को जाएंगे, वो लोग आराम से प्लान आउट कर सकते हैं, पर अभी के बच्चे खास ध्यान दें। सबसे पहली चीज़, पेपर कम्प्लीटली स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो आरबीआई असिस्टेंट में हुआ उसी के लगभग पैटर्न में आया, यानी कि इट्स वेरी इजी। मैं ओवरऑल तीनों सेक्शन को मिला के बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पूछने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स के अड्डे मुँह उठा के 80s में जा रहे, 70s के, लेट 70s में जा रहे, उससे ज़्यादा जा रहे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रीजनिंग को पूरा ख़त्म भी किया है, पूरे के पूरे 35 लेके गए। तो वेरी क्विकली मैं आपको बता दूँ एक एक करके के सेक्शन में आए क्या थे। सबसे पहले बात करूँगा मैथ्स की। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन लगभग 10 मार्क्स के थे, क्वाइट इजी, एकदम इजी लेवल के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेर ऑफ 5 मार्क्स। नंबर सीरीज भी आई थी 5 मार्क्स के। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज थी, बहुत डुएबल थी। कुछ पैटर्न तो ऐसे ही थे कि लाइक इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2.5 लाइक पैटर्न में थे, वेरी इजी थे। तो समझ जाना कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना इसमें इस तरीके का पैटर्न चलने वाला है। नेक्स्ट डीआई था। डीआई कुछ टेबुलर फॉर्मेट में था। इट वाज बेस्ड ऑन समथिंग मेल एंड फीमेल के रेशियो के बारे में कुछ था। उस 5 क्वेश्चन थे और बाकी के जो 10 बचे वो मिसलेनियस थे, जिसमें एज, मिक्सचर वगैरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर मान लो जिसका मिसलेनियस वीक है, तो मुझे नहीं लगता ये 25 मार्क्स कहीं भी ऊपर से है जो जाने चाहिए, पूरे 25 मिलने चाहिए। और मुझे दावा है कि इसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ मिनट्स मिलेंगे। स्पीड अगर आपकी टेरिफिक है और मिलेगी इतने इजी के क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली आप वो 10 में से जो मिसलेनियस है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत अच्छा पेपर है। मैथ्स से जो डरते बिल्कुल मत डरिएगा। अभी रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में सिलॉगिज्म्स थे 3 मार्क्स के, जिसमें ओनली अ फ्यू के भी क्वेश्चन मेंशन थे। तो ओनली अ फ्यू का पैटर्न मुझे लगता है चलते ही रहेगा अभी कुछ एग्जाम्स तक। इनइक्वालिटी वेयर ऑफ 3 मार्क्स। पजल्स की बात करूं तो 15 मार्क्स के पजल थे लगभग, मतलब 3 पजल्स थे जिसमें एक ऑर्डर रैंकिंग बेस पे था, जिसमें डेजिग्नेशन दिए हुए थे कि लाइक यू नो मैनेजर है कोई, एग्जीक्यूटिव है कोई, असिस्टेंट मैनेजर है, उसको आपको रैंक के हिसाब से अरेंज करना था। और एक सर्कुलर था, वेरिएबल नहीं था, 8 पीपल का था। एक और एक पजल है जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कोई अनसर्टन नंबर का था। इस पे ज़रा मुझे आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करें, डेफिनेटली आप बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स पता है, कुछ पता है, कुछ वर्ड पता है इंग्लिश में वगैरह, तो डेफिनेटली आप प्रोवाइड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले बच्चों को या उनको आइडिया हो जाए किस तरीके से पेपर सेट हुआ है। और कोडिंग डिकोडिंग वेयर ऑफ 3-4 मार्क्स अराउंड। डायरेक्शन से 3 मार्क्स, ये काफ़ी इजी लेवल है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना एग्जैक्ट क्या था, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। देन अल्फ़ाबेट के एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि एक था कोई कंसोनेंट और वॉवेल को लो, प्लस करो, माइनस करो, फिर जो नया वर्ड आता है उसमें से राइट से थर्ड या फोर्थ कौन सा है, इस कैटेगरी में था। एंड दैट पेयर ऑफ लेटर का एक क्वेश्चन था, एक वर्ड जो है जिसमें को पेयरिंग पूछी गई थी। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स ने मेंशन किए हुए हैं। एंड रीजनिंग की बात करूं, स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स ने पजल्स को लास्ट में सॉल्व किया, जो जनरली हम लोग करते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया कि मतलब एक नॉर्मल सा ओपिनियन है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, कि उन्होंने सब वाइंड अप किया। और जब पजल पे आए जब वो स्टूडेंट, तो उन्होंने सबसे पहले सर्कुलर पजल को उड़ाया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये दो पजल को संभाला। यानी कि मैं सिर्फ उनका पैटर्न बता रहा हूँ कि जिन्होंने 35 तक पहुँचे उनका पैटर्न कैसा था, सिर्फ इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तीसरा पजल है उसके बारे में किसी को और कुछ बताना है अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर एंड रैंकिंग पजल, डेफिनेटली बता दीजिएगा। अभी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था 5-6 मार्क्स का। देन एरर्स 5 मार्क्स के थे। एरर्स में उन्होंने पूछा था कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको शायद पढ़ना पड़ेगा, जहाँ तक मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो।
देन आरसी था लगभग 10 मार्क का, जिसमें वोकेबलरी भी थी और पेपर कुछ यू नो मॉस्किटोज इस टॉपिक पे कुछ बेस था, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। देन मिसलेस वर्ड थे 5 मार्क्स के दिए, जिसमें आपको ढूंढना था कौन सा वो वर्ड है। और एक पैरा जम्बल कह सकते हैं या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस थे 5 मार्क्स के। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने कहा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें डराने वाली कोई बात है नहीं। ओवरऑल पेपर स्टूडेंट्स ने इजी रिपोर्ट किया हुआ है, एंड मुंह उठा के 80 तो आपको बनते ही है, मेरी मेरी राय रहेगी 85 के अबाव जाओ, जिसमें रीजनिंग अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो वो भी चलेगा ठीक है, बट मैथ सब न्यूमेरिक रहते तो इसमें अगर रीजनिंग पूरा खा जाओ, इंग्लिश भी जा सकते हो, 25 अबाव तो आपको जाना ही है इंग्लिश में एनी हाउ ठीक है, क्योंकि सारे सेक्शन जब इजी रहते हैं ना सारे सेक्शन, तो डेफिनेटली आपको बहुत क्लोज रहना है टोटल के। फिर मैथ्स में अगर आप 27 तक पहुंच गए तो रुक सकते हो, अगर बाकियों में अगर 28 इंग्लिश में, मैथ्स रीजनिंग में 32 या 35 तक अटेम्प्ट है तो इस तरीके से है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर शायद पैटर्न यही होगा, थोड़े से फ़र्क हो गए यहाँ वहाँ से, बट अभी एक अंदाज़ा ले लो कि SBI क्लर्क का पेपर सेट कैसे होने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट जो आज जाएंगे और जो बाकी के दिनों जाने वाले, बिंदास है ना, डेफिनेटली आप भी 85 अबव भी जा सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।